हाँ तो बात करते हैं हम आज हाउ टू बिगिन योर कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। हाँ तो पहले आइडेंटिफाई करना है लो हैंगिंग फ्रूट्स को। ये क्या होता है कि एरिया को आइडेंटिफाई करना है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये पेजेस ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता रहता है पहले से, ठीक है। हमारी साइट के कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिन पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता रहता है। तो फिर आता है परफॉर्मिंग अ कंटेंट ऑडिट। तो हमें गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करना होता है और जो ऑर्गेनिक लैंडिंग पेजेस हैं उनको लोकेट करना होता है। तो एनालाइज करना है पिछले 6 महीने का डेटा, ठीक है। अगर 6 महीने रहेगा तो ज़्यादा सही रहता है। तो हमें पूरा वेरिएशन मिल जाता है, ग्राफ्स मिल जाते हैं। बिहेवियर पे जाना है, फिर लैंडिंग पेज को चूज़ करना है, फिर सेकेंडरी डायमेंशन सारी लैंडिंग पेजेस को दिखा देगा कौन से मीडियम से उनको ट्रैफिक मिल रहा है, जैसे ऑर्गेनिक सर्च या पेज सर्च या फिर रेफरल्स मिलते हैं, है ना। तो उन सबको एक जगह पर डिस्प्ले कर देगा। व्यू ऑनली ऑर्गेनिक विजिट्स बाय सॉर्टिंग एंड चूजिंग ऑर्गेनिक सर्च, ठीक है। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक विजिट्स देखना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं कि कहाँ शेयर हुआ ये सब, सिर्फ ऑर्गेनिक देखना चाहते हैं, तो वो भी सेटिंग हम कर सकते हैं कंटेंट ऑडिट के लिए। तो डेटा को एग्जामिन करना होता है। अगर आपकी साइट लार्ज है, ठीक है, तो हर एक के लिए अलग से सेपरेट एडवांस सर्च लगाने होती है, फिल्टर्स लगाने होते हैं ना। तो फिर नोट्स बना के रखने होते हैं हमें, ऐसा करना पड़ता है डेटा को एग्जामिन करते वक्त कि कौन से इंटरनल पेज हैं, कौन से ब्लॉक पेजेस हैं। हाँ तो फिल्टर कर सकते हैं डेटा को कि जैसे लैंडिंग पेजेस जिनके अंदर ब्लॉग वर्ड आता हो उनको अलग कर दिया। कुछ साइटों में क्या होता है, ब्लॉग जो होते हैं वो ब्लॉग डायरेक्टरी में होते हैं, तो हम या तो एक्सपोर्ट कर सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या है, सॉर्टिंग बाय सेशंस, इसमें हम लैंडिंग पेज और मीडियम को नहीं दिखा रहे हैं। तो सेशंस देखो, सॉर्ट बाय सेशंस टू सी पेजेस विद लो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक विजिट्स। तो सबसे कम विजिट्स आए हैं स्टैटिक सर्विस पॉलिसी के, हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं हमें कि यहाँ पे भी ऑर्गेनिक विजिट्स बढ़ जाएँ। तो फिर फिल्टरिंग की बात आती है, डिस रिगार्ड फॉर ब्लॉग, जैसे टैग होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, आर्काइव्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, पेज या ऑथर, है ना। तो ये सारे को ब्लॉग से डिफाइन करते हैं। तो इन सब के यूज़ करके हम पोस्ट दिस शोज अ लिस्ट ऑफ पोस्ट, ठीक है। एक पोस्ट नहीं दिखाते, सारी पोस्ट दिखाते हैं, जैसे जिसमें जो आज चीज़ में रख रखी होगी हमने वो अलग दिखाते हैं। तो इन सबको फिल्टर कर देना एनालिटिक्स में एक एक्सेल की शीट पे, ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है। तो एनालाइज करते हैं डाटा को, तो कुछ जो है जिनके विजिट्स कम है मगर साइट में एंगेजमेंट ज़्यादा है, ठीक है, कुछ पेजेस में डेटा के हिसाब से, और कुछ केसेस में तो बाउंस रेट जो है वो यूज़र को कहीं और ले जा रहे हैं ना। तो लो बाउंस रेट मीन्स यूज़र आर नेविगेटिंग एल्सवेयर। तो होता क्या है, बेसिकली कोई भी यूज़र आता है और जैसे साइट खोली, अब आपके साइट पे डेटा सही नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो वो क्लिक कर देगा किसी भी ब्लॉग पे, है ना। तो वहाँ पे इंगेजमेंट कम हो जाएगी, तो बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें हाई इंगेजमेंट लो ट्रैफिक मीन्स पेजेस नीड अटेंशन फॉर सर्च इंजन्स, ठीक है। इंगेजमेंट तो है साइट में मगर ट्रैफिक कम है, इसका मतलब सर्च इंजन्स को अटेंशन देनी पड़ेगी। तो इम्प्रूव करना कंटेंट को, बूस्ट कर देना वैल्यू सर्च इंजन की रैंकिंग में, ये ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, ठीक है, डेटा को एनालाइज करने में। तो सबसे पहले हमें क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई करना है बेस्ट इंटरनल ऑडिट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो चीज़ जितनी आसानी से अवेलेबल है उसको पहले एसेस करना है और उसको मॉडिफाई करना है जिससे कि ट्रैफिक ज़्यादा आए उधर, और लोकेट करना है लो हैंगिंग फ्रूट्स को यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब जो हम इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आसानी से मिलते हैं हमें और वहाँ पर ट्रैफिक तो आ रहा है मगर उसको एकदम मेंटेन कर देंगे तो और आएगा। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। थैंक यू।